कि अब हमारी जिंदगी में हम उन्नति के पद पर चढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में हम अब जो नाटक कर रहे हैं ऐसे ही नाटक की जिंदगी अब हमको जीना पड़ेगी और भगवत भजन में डूबना पड़ेगा। अब वो जिंदगी हमें जीना, अब वो जीवन हमको सार्थक बनाना, अब वो जिंदगी को जीने का हमको तरीका आना चाहिए। और वो जिंदगी जीने का तरीका हम अपने जीवन में उतारें। पर आज के जमाने में तो लड़का खुद दूल्हा ही डांस करता है, और चलो तो चलो जो दुल्हन है वो भी खूब डांस करे और माता पिता को भी डांस कराया जाता है। तो ये सब चीजें हमारे शास्त्र में नहीं है, ये शास्त्र से दूर है, बहुत दूर। इसका कोई मतलब हमारे हिंदू धर्म में जो भी चीजें करी जाती थी उसका कोई महत्व होता था, महत्व। अब देखो तो क्या देखो, धर्म पत्नी हो फिर निवेदन है लड़का कैसा भी हो पर उसकी जो बहू है, बहू का मतलब ही होता है कि जो बहुता में सम्मान करने वाली है। परंतु आज के जमाने में लोगों ने इसको हटा दिया और कहा दिया बहुता में सम्मान करने वाली, बहुता में सम्मान लेके आया, सम्मान हटाकर सम्मान कर दिया। नहीं नहीं, सम्मान मान और जो आपके जीवन का लक्ष्य तत्व निश्चित करने वाली हो, आपको श्रेष्ठ पद पर लेकर जाए। बहू बेटा सोने की सीढ़ी पे तुम्हें चढ़ाए चाहे ना चढ़ाए, आशा मत रखना। पर बहू बेटा ऐसे हो जो किसी तीर्थ मंदिर और कथा की सीढ़ी पर चढ़ा दें, ऐसे बहू बेटा ढूंढना। सोने की सीढ़ी पर चढ़ाने वाले बहू बेटे बहुत मिल जाएंगे, धन खर्च करने वाले। नौकर से कहेंगे जाओ मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाओ, परंतु माता पिता को नौकर नहीं चाहिए, माता पिता खुद भी जा सकते, माता पिता खुद भी पहुंच सकते नौकर। बुढ़ापे में नौकर की जरूरत नहीं पड़ती, बुढ़ापे में किसकी जरूरत पड़ती है, घर के बच्चों की बहुओं की जरूरत पड़ती है, वो नौकर में। पर ईमानदारी से बोलो आज का जमाना ऐसा हो गया, बड़े बड़े घरों में तो वो छोटे छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको पालने वाली दाइयों रखी जाती है। अरे बोले तो सरी, वो माँ बाप पार्टी में घूम रहे और उनकी औलाद को एक बेचारी लड़की, कोई लेडीज, कोई बूढ़ी उनकी औलाद को संभाल रही है। ईमानदारी से बोलना, बचपन में तुमने अपने बच्चों के लिए जब एक दाई रख रखी है, जब एक पराई स्त्री तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तो वो औलाद क्या तुमको तुम्हारे घर में रखेगी? अरे ईमानदारी से तो बोलो रे, जब तुमने पैदा हुए बच्चे के लिए एक नौकरानी रख रखी है, एक दासी रख रखी है, एक दाई रख रखी है, तो तुम्हारी औलाद जिसको तुमने नौकरानी से बड़ा करवाया, दासी से बड़ा करवाया, दाई से बड़ा करवाया, वो पाल पोस कर बड़ा करते करते वो औलाद भी देख लेती है। जब मेरे माँ बाप मेरे बचपन में मेरे नहीं हुए तो बुढ़ापे में कौन तुमको रखने वाला है? वो भी कह देंगे भेज दो इनको वृद्धाश्रम, भेजो, जब इन्होंने मुझे नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं? किसी ने पूछा था, गुरुजी पहले बच्चे छोटे छोटे से नाना नानी के यहां बहुत जाते थे, पहले छोटे छोटे बच्चे दादी के घर में बहुत लाड़ लड़ाते थे, आज के जमाने में बच्चे हर 15 दिन 20 दिन में हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? 15 दिन होते और बच्चे बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ो डॉक्टर हाथ देखे उतनी देर में ठीक हो जाता बच्चा, उसका कारण क्या है? हमने कहा बस कारण इतना था है कि पहले के बच्चे नानी के घर में पैदा होते थे तो नानी के घर से प्रेम होता था, पहले के बच्चे दादी के घर में पैदा होते थे तो दादी के घर से प्रेम ज्यादा होता था, आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इसलिए डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज्यादा होता है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं, जिससे आपका स्नेह होगा वहां आपको जाना पड़ेगा।
गाय एक खूटे से बांध कर रखो, गौ माता को एक खूटे से बांध कर रखो, खूटे को पहचान जाएगी, कहीं पे भी छोड़ दो वो उसी घर में आएगी। एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को पाल कर एक दिन दो दिन रोटी दे दो एक ही जगह पे, वो कहीं पे भी घूम के वहीं आएगा। उसी तरह बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, बच्चा जिस घर में पैदा होता है, बच्चे की आंख जिस हॉस्पिटल में खुलती है, बस उस हॉस्पिटल के डॉक्टर सिस्टरों के द्वारा जब वो पैदा होता है तो हाथ से इतना पहचान हो जाती है कि उसको 15-20 दिन में उनसे मिलाने ले जाना ही पड़ता है। उनसे 500-700 रुपए लगा, मिलाओ थोड़ी देर में ठीक, बस दिखा के लाए उसके बाद आराम लग जाता। 500 रुपए तो निकलवा ही देता कैसे भी। इसीलिए आजकल की डॉक्टरों जो होती है ना, लेडी डॉक्टर, वो कह देती है इसको ऑपरेशन से बच्चा होगा। क्यों कहती है? क्योंकि हमारा हाथ इस बच्चे को लग जाए तो ये हमारा हाथ पहचान जाए, तो बार बार इसको मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो एक बार के चक्कर में नहीं, बार बार के चक्कर में रहते। अब हम ढूंढे बहुत आम ढूंढे और मृगशंग ऋषि के धर्म पत्नी सुव्रता ने बहुत भजन स्मरण किया। जैसे पति थे वैसी धर्म पत्नी। धर्म पत्नी और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते ले जाती है, पत्नी पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है, पत्नी पति को मायके ले जाती है, और धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है। धर्म पत्नी पति से पूछ लेती है कि तुम इतना किसके लिए कमा रहे हो? आपसे भी नहीं मैदान है, पति से पूछा करो किसके लिए कमा रहे हो? दिन रात लग रहे थे और 24 घंटे लग रहे थे, दो रोटी प्रेम से नहीं खा पा रहा, दो रोटी प्रेम से नहीं खा पा रहे, एक मिनट की फुर्सत नहीं है तुम्हें कमाने से। शुगर हो गई, बीपी हो गया, ये हो गया, किसके लिए कमा रहे? ये शादी ब्याह होते हैं, जो ब्याह शादी होते हैं ना, जब दरवाजे पे बुढ़ा बुढ़ी खड़े होते हैं, टाई माई पहन के बेचारे बुजुर्ग, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब खड़ी होती हैं, और शादी में से जो भी निकल के बाहर आता है ना, तो उससे हाथ जोड़ के पूछते हैं, भोजन कर लिया आपने? बोलो सही है कि गलत है? भोजन किया आपने? हाँ सर। अच्छा मना? बहुत बढ़िया। अरे गुलाब जामुन तो इतनी बढ़िया, रसगुल्ला इतना बढ़िया, सेव इतना बढ़िया, पपड़ी इतनी बढ़िया, वो दरवाजे पर खड़े हुए व्यक्ति क्यों पूछ रहा है, किस लिए पूछ रहा है? क्योंकि उसने शादी में लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर शादी में जो गुलाब जामुन बनी है, रसगुल्ला बना है, इमरती बनी है, पपड़ी बनी है, वो दरवाजे पे इसलिए पूछ रहा है, भले दुनिया को खिला देगा पर बापड़ा ठन्नी नहीं खा सकता, इसलिए वो तुमसे पूछ के अपने मन को संतुष्ट कर रहा है कि कैसा बना बता बता के जाओ, तो कम से कम मुंह में पानी आके पेट भर लेगा बेचारा, कम से कम। और मान लो अगर भोजन कर भी रहा है, मान लो दो मिनट अगर भोजन करने बैठा भी, तो पहले शरीर में, पेट में, पांव में, हाथ में, समझ गए, पहले वो इंजेक्शन लगाए, तब जाकर दो रोटी खाएगा, और फिर पूछो कि किसके लिए कमा रहे तू इतना, किसके लिए? एक व्यक्ति नाम से कहा, गुरुजी अभी उज्जैन में हमारे थोड़ा व्यापार कम हो गया है, कोई उपाय? हमने कहा शंकर जी ने कृपा करी है, बहुत कमा ली है, अब थोड़े दिन ठंडे होकर बैठो, शिव का भजन करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो, अच्छा है तूने थोड़ा व्यापार कम करा, मैं भजन कर लूंगा, तू फिर बढ़ा देगा, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। चिंता मत करना कि क्यों कम हुआ, शंकर ने कुछ अच्छा करा होगा, शिव ने कुछ करुणा करी होगी, शंकर को कुछ अच्छा लगा होगा, तेरे जीवन को संवारने के लिए कुछ अच्छा ढूंढा होगा, हर चीज में अच्छाई ढूंढोगे तो अच्छा मिलेगा। आपने अगर सोच लिया कि मेरा व्यापार गया, मेरा ये गया, मेरा वो गया, तो उसमें तुम्हें बेकार ही नजर आएगा, हर चीज में अच्छा ढूंढो। वारे विश्वनाथ तूने बड़ी कृपा करी,
ना जाने क्यों मुझे बचा लिया, ऐसा क्या कारण था जो तूने मुझे रोक लिया, ऐसा क्या कारण था जो मेरे साथ में ऐसा हो गया। बहुत अच्छा करा, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मुझे क्या करना। दो रोटी तो भगवान कहीं पर भी देता है साहब, पेट भरी देता है। भगवान कहते हैं गीता में, जन्म मैंने दिया, माँ के स्तनों में दूध मैंने दिया, तू खा नहीं सकता था, तू बोल नहीं सकता था, तू कुछ मुंह से पा नहीं सकता था, मैंने माँ के स्तनों में दूध दिया। मरने पर भी चिंता मत करना, जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु में दूंगा, तो चिंता मत कर। तेरे परिवार के लोग, तेरे कुटुंब के लिए तुझे अग्नि नहीं देंगे, कफन नहीं देंगे। तो भगवान कहते मैं आऊंगा, मैं देकर जाऊंगा, तू क्यों चिंता कर। जब जन्म मैंने दिया, पक्षी देखें कहां पे सोते हैं, जम के बोलो, पेड़ पर। पक्षी पेड़ पर सोते हैं पर कभी किसी मोटी डाली पर नहीं बैठते। कौन सी डाली पर? मोटी डाली, जो बहुत बड़े बड़े मोटी डाली होती है, पक्षी उस पर नहीं बैठते। पक्षी हमेशा बैठता है सोते समय तो पतली डाली, बिल्कुल पतली डाली पर पक्षी सोता। और रात को पक्षी जब पतली डाली पर पंजों से दमोच कर रात भर सोता है, तो विचार तो करो मेरे शंकर, जब सोते हुए पक्षी को पतली सी डाली पे से सोते हुए पक्षी को नीचे नहीं गिरने देता, तो तुमको तो उसने पैदा किया है, तुम उसके हो, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा साहब, वो हाथों पर झेल लेगा। मेरा शिव हाथों पर उठा, वो गिरने नहीं देगा, गिरने नहीं दे सकता, हाथों पर उठा। पर उसके भरोसे बस केवल उससे विनती करते रहो। जल है गहरा नाव पुरा,